जेयूआई सरबरा मौलाना फजल रहमान के परचाइण लाइ हुकूमत मुखालिफ धुर के अगवाणन जा जतन। जेयूआई अगवाण सा असद के सर वफाकी घरों वजीर मोहसिन नकवी जो धारदार मुलाकातू। आइनी तरमीमन समेत मुल्की सियासी सूरत हाल से सलाह मशवरा। तहरीक इंसाफ जेयूआई जो पार्लियामेंट में गर्जी हलण जो फैसलो। जेयूआई सरबरा मौलाना फजल रहमान जो चवण है तो उन्हें हुकूमत के मुसवदे के मुकम्मल तौर रद्द कर छो है। हाने तो हुकूमत चवे पई तो उन्हें को मुसवदो ही न हो जो कबूल जोगो ही न हो। कौम की अमानत में इन का वही खयानत नथी थी सके। तहरीक इंसाफ के अगवाण असद केसर है तो मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीमी मुसवदो मुकम्मल तौर रद्द कर छो है। मुखालिफ धुर फैसलो है तो मामला मुशावरत से अगते बढ़ाया वेंदा। जेयूआई पीटीआई पार्लियामेंट अंदर जो भी कंदू गर्जी कंदू पार्लियामेंट के अंदर जो भी कंदी मुशावरत से कंदी। हुकूमत आइनी तरमीमी मुसवदो इतिहादन से भी लिखा सभी सियासी पार्टियों अपोजिशन के गर्जी आवाज उथारण घुर्जे। आइनी तरमीमन जो गर्दिश कंदड़ पैकेज रुगो तजवीजन जो मुसवदो है इनके हतमी नथो चई सके। आइनी अदालत के कयाम जो मकसद आर्टिकल 184 तहत पाण मुरादे नोटिस जो तयन करण है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब के खिताब कंदे कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ चयो है तो 2009 का 2013 ताईं 2018-19 दौरान भी पाण मुरादे नोटिस जो सिलसिलो शुरू कयो वयो। बेनजीर भुट्टो केस से बुधणी कंदड़ जज के धमकियों डिनी व्यू। जज तजवीज कल आइनी तरमीमन का पोए चैनी वफाकी यूनिट के अदालत में नुमाइंदगी डिनी वी। आइनी हदन में रही कानून साजी करण पार्लियामेंट जो अख्तियार है। जैसे ताई हुकूमत उनकी मंजूरी न दींदी इनके बिल करार नथो दई सके। आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के जजिस के केर मुकरर कंदो कंखे खबर ना है पर जजिस की मुकररी थियण घुर्जे। आइनी अदालत एक सुखी शे जाया थे न घुर्जे। कंखे भी जान ना है तो आइनी पैकेज में आहे। आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन के खिताब कंदे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल पीपुल्स पार्टी अगवाण फारूक एस नाइक है तो पाकिस्तान जो आइन जिंदा दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट भी दिसे पई तो पार्लियामेंट के आयन में तरमीम जो अख्तियार है। इंडोनेशिया रूस समेत केतर ही मुल्क में आइनी अदालत है। जडे आइनी मामलो सुप्रीम कोर्ट में अचे तो आम शहर जहा केस मुतासर थन था। हुकूमत बिल काबीना में मंजूर थियण ताई पेश नथी करे सके। अरिड़ी तरमीम में भी वक्त लगो हो पर आइनी अदालत हुजण घुर्जे। आऊं समझा तो जस्टिस मंसूर अली शाह इंदर चीफ जस्टिस होंद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस मंसूर लाए मुझे दिल में तमाम घनी इज्जत है। आइनी तरमीमन बाबत गर्दिश कंदड़ मुबैना मुसवदो असल ना पीपल्स पार्टी फौजी अदालतन के हवाले से उसूली मौकफ रखे थी उन्हें हिमायत करे थी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स लॉयर फोरम के सूबाई सदरन के इजलास के खिताब। इजलास में तजवीज के लाइनी अदालतन के कयाम के हवाले से भी गाल बोल। बिलावल भुट्टो जरदारी है तो पीपल्स पार्टी निसा के जमहूरियत मंशूर तहत आइनी अदालतन के कयाम के हक में है। पीपल्स पार्टी तजवीज कल आइनी तरमीम में जजिस के उम्र के मामले से का भी गाल न कई है। हुकूमत जजिस की उम्र बाबत तब्दीलू चाहे पई। पीपल्स पार्टी जजिस की मुलाजमत की शुरुआती उम्र के हद घटाने की हिमायत कई। जेयूआई जजिस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज दिनी है। पीटीआई आइनी तरमीम के मुसवदे से सियासत करने की कोशिश कई। तरमीमन से मुशावरत जो सिलसिलो जारी है। कंखे भी एनआरओ न मिल सुज समावारे वफाकी वजीर अता तारड़ है तो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत अलग होंद। आइनी मामला आइनी अदालत में वेंदा
आईनी तरमीम ते मौलाना फजल रहमान साहब मुशावरत जारी आहे। पाकिस्तान में 9 मई केसेस जा फैसला अञा ना हन थिया। अमेरिका में कैपिटल हिल केस जा भी फैसला थी वया आहन। नायब वजीर आजम इसहाक डार चयो आहे त पाकिस्तान रूस सां बेतरफा वापारी गांढापा वधाइण लाइ पुरअज़म आहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ऐं रूसी हमनसब जे गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई त रूसी हमनसब खे पाकिस्तान अचण ते भलीकार चऊं था। रूसी हमनसब सां बेतरफा वापारी गांढापा वधाइण ते ॻाल्हि ॿोल थी। रूस सां बेतरफा वापारी गांढापा वधाइण लाइ पुरअज़म आहे। पीटीआई बानी लाइ वॾो रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एहतसाब अदालत खे पीटीआई बानी ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड वारे केस जो फ़ैसिलो ॾियण खां रोके छॾियो। अदालत पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबी जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी कयो। अदालत चयो आहे त नेब कोर्ट केस जी ॿुधणी मुकमल करे हतमी फ़ैसिलो जारी न करे। केपी जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर जा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ते वार। फैसल करीम कुंडी के पिशावर जो गवर्नर हाउस भी बंद करने जो चिताव। फैसल करीम कुंडी के गवर्नर हाउस में सुकून सा वही टिकटॉक ठाण जो मशवरो। अली अमीन गंडापुर चयो आहे त एक टिकटॉकर पंजाब में वेठल आहे, बियो गवर्नर हाउस में आहे। इस्लामाबाद जो गवर्नर हाउस फैसल कुंडी लाइ बंद करे छॾियो आहे। खामोश न वेठो त पिशावर जो गवर्नर हाउस भी बंद करे छॾींदोसि। समरी पहिरीं मौजूद आहे। क़ौमी तराने वारे मामले ते अफगान हुकूमत जी वज़ाहत अची वई आहे, जंहिं बाद मूंखे कुझु चवण जी ज़रूरत न आहे। म्यूज़िक जे करे अफगान हुकूमत पंहिंजे तराने ते पाबंदी लॻाई आहे। इंट्रा पार्टी चूंड न कराइण लाइ चूंड निशान वापसि ऐं पार्टी डी नोटिफाई थी सघे थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा जेयूआई जे पार्टी चूंड बाबति केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। जेयूआई पार्टी चूंडुनि लाइ इलेक्शन कमीशन खां वधीक 60 ॾींहनि जो वक़्तु घुरी वरितो। इलेक्शन कमीशन दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। सगर आसिफ अली ज़रदारी वालारेल कश्मीर में क़ाबिज़ भारतीय हुकूमत जे असर हेठ कानून साज़ असेंबली जे चूंडुनि खे रद्द करे छॾियो। सदर सां वालारेल कश्मीर जे महाजरनि जी वफ़द जी मुलाक़ात। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त अहिड़ा क़दम जम्मू ऐं कश्मीर ते भारतीय कब्ज़े खे कानूनी हैसियत नथा ॾेई सघनि। चूंडूं कश्मीरी आवाम जे आज़ादीअ वारे हक़ जो मुतबादिल नथियूं थी सघनि। वालारेल वादी में अहिड़ियूं चूंडूं कश्मीर अवाम लाइ क़बूलण जोगियूं न आहिनि। भारत वालारेल कश्मीर में आबादीअ जो तनासुब तब्दील करण जी कोशिश करे पियो। आलमी बिरादरी मोदी खे इंसानी हक़नि जी भञकड़ियुनि ते जवाबदेह करार ॾिए। सिंध जे सिहत खाते सूबे में मंकी पॉक्स जो केस ज़ाहिर थियण जी तरदीद करे छॾी। चिकनगुनिया जे मरीज़नि में वाध जी तसदीक। सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अज़राफ अज़हर पेचूअ चयो आहे त सूबे में एम पॉक्स जो केस ज़ाहिर न आहे थियो, पर हलंदड़ साल चिकनगुनिया जा 140 केस साम्हूं आया आहिनि। मंकी पॉक्स जा बेशकी केस ज़ाहिर थिया हुआ, जेके टेस्ट खां पोइ क्लियर कया विया। सिंध में मलेरिया ऐं डेंगी जी सूरतहाल कंट्रोल हेठि आहे। डॉक्टर्स जी हाज़िरीअ लाइ बायोमेट्रिक सिस्टम बि आणे रहिया आहिनि। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि बरसातुनि सबबि मुतासिर थियल रोडनि जी मरम्मत ऐं बहाली बाबति इजलास। रिथाबंदी ऐं तरक़ीअ वारो वज़ीर नासिर शाह ऐं ॿिया शरीक। मुतासिर रोडनि जे मरम्मती कम ते ख़र्चनि बाबति काथो तलब। वक़्त खां अॻु ख़राब थियल रस्तनि जी जांच करे ज़िमेवारनि जो तयुन करण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त 2022 वारनि बरसातुनि बाद रस्ता ठाहिया ऐं मरम्मत कई वई हुई। रस्तनि जे कम में नाकस मटीरियल इस्तेमाल कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। हुरन जे रुहानी पेशवा पीर पागारे मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि खे नंढी उमिरि में नियाणियुनि खे पढ़ाइण खां रोके छॾियो। औलाद ख़ासि करे नियाणियुनि खे तालीम ॾियारण जी बि हिदायत।
पीर जगोट में मुरीदन अकीदतमंद के खिताब कंदे पीर पागारे पेरी नंढी उम्र में न्याण की शादी जो शिकायतू मिलंद हुयूं हाँ कुछ घट थियन पर इो अमल भी सही ना पाकिस्तान इंतहाई दुखे दौर में गुजरी रो है रब पाक पेंे महबूब के सदके पाकिस्तान के आजमाइश में निजात दियारे मीरपुर माथेल में कतल कल शहीद साफी नसरुल्ला गडाणी के कुटुंब हथियारबंदन के हमले आए पुलिस पारा केस दाखिल करण बाद खौफ में गोठ का कराची मुंतकिल पुलिस ए लुंड बिरादरी के मानून से धमकी दियण के इल्जाम शहीद साफी के भाई याकूब गडाणी है तो पुलिस लुंड बिरादरी की वंगार वही रही है। डीएसपी मीरपुर माथेल अब्दुल कादर सुमरो धमकी दई रो है मानू जख्मी भी असा जहा थे गुम भी असा के मानून के वो केस भी असा के खिलाफ दाखिल थी रहा है। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरेशी 23 सितंबर से कारकुनन के सिंधु दरिया के किनारन से गड थियण जो सड दई छड्यो डेमन खिलाफ सुभाणे रिथियल एहतजाज हिमायत जो बैलान सनान खान कुरेशी चयो आहे ते सिंधु ते को भी डैम कबूल नाहे कारकुन 23 सितंबर से दरिया से गड थी गुल निछावर कन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की इंतजामिया से मारकुन में हेरा फेरी कर लिखत वे इम्तिहान में फेल करण जो इल्जाम सखरवा नौजवान आफ्ताब महफूज सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पहुंची गयो बीहर थर्ड पार्टी का पेपर वठण इंटरव्यू की सदा अदालत पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस जारी कंदे नौजवान जा पेपर सील करे अदालत में पहुंचाण जो हुक्म दई छो अदालत रिमार्क्स ना आहन त पहिरीं अक्टूबर ते पेपर सील करे अदालत में पहुंचाया वन थर्ड पार्टी का पेपर चेक कराए सकजन था। इसराइल की गजा में बमबारी वधी के 22 फलस्तीनी शहीद इसराइली हमलन में शहीद फलस्तीनियन जो अंक वधी 41,252 थी वयो 95,000 का वधी के फलस्तीनी जख्मी फलस्तीनी वजारत तालीम मूजिब इसराइली हमलन में 11,000 शागिर्द भी शहीद थी चुका है। पाकिस्तान में रिथियल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को जायजो वठण आईसीसी वफद कराची पहुंची वो नेशनल स्टेडियम जो दौरों करे ग्राउंड जो जायजो वरतो आईसीसी वफद लाहौर भी वेंदो पीसीबी अमलदारन सा मुलाकातू कंदो जैं बाद वफद पिंडी स्टेडियम जो दौरों भी कंदो